हे गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं गुजरात की फेमस ढोकला। नहीं, खमन बनाते हैं। नहीं, खमन ढोकला बना लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ढोकला क्या होता है, खमन क्या होता है, तो चलिए इसका मैं जवाब दे देती हूँ। ढोकला जो होता है वहाँ पे राइस और दाल को फर्मेंट करके बनाया जाता है, वही जो खमन होता है उसे इंस्टेंट तरीके से बनाया जाता है। बेसन में लिव इन एजेंट जैसे कि इनो हो गए या फिर सोडा हो गए, उसे डाल के बनाया जाता है। और जो रेस्टोरेंट हो गए या फिर आप देखते होंगे रेडी टू ईट वाले पैकेट होते हैं, वहां पे खमन को ही लिख दिया जाता है खमन ढोकला। बेसिकली दोनों चीजें सेम ही होती है। तब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ढोकला और खमन में डिफरेंस क्या होता है। सिमिलैरिटी दोनों की यही होती है कि दोनों को स्टीम करके बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल बाजार जैसा मिलने वाला एकदम स्पॉन्जी बहुत ही जालीदार खमन की रेसिपी, जिसका टेस्ट बहुत मजेदार होने वाला है। और बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स जिससे नेक्स्ट टाइम से आपकी खमन आई एम श्योर कभी भी नहीं बिगड़ेगी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खमन बनाने के लिए हमेशा बेसन का ही यूज किया जाता है, लेकिन मार्केट में इतने सारे बेसन आते हैं, उसमें से हमें कौन सा बेसन लेना चाहिए। नायलॉन खमन बनाने के लिए आप हमेशा पैकेट वाले ही जो बाजार में आते हैं फाइन बेसन उसका ही यूज करें। और बेसन की क्वांटिटी हमें यहाँ पे लेनी है 1 कप। तो ये रहा हमारा 1 कप बेसन और ये रहा आधा कप, तो टोटल में हमने लिया है 1.5 कप। और इसे हमें छानना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, पहली गलती हम ये कर देते हैं कि हम बेसन को नहीं छानते और हम ये सोचते हैं कि बेसन में तो कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है या फिर हमने फाइन वाला बेसन लिया है तो इसे हमें छानने की क्या जरूरत है। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी ना करें, बेसन को हमेशा छानें। इसका रीजन क्या है आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम बेसन को छानते हैं तो आपको यहाँ पे गुठलियाँ नजर आएंगी और ये गुठलियाँ आगे जाके जब हम बेसन में पानी के साथ में घोलते हैं तो लम्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जब हम बेसन को छान लेते हैं तो इसमें एरेशन भी आ जाता है, इसलिए बेसन को छानना हमेशा जरूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डाल दिया था चुटकी भर हल्दी। हल्दी भी हमें ज्यादा नहीं डालना है, ये वाली गलती कई बार हम कर देते हैं। खमन को थोड़ा सा पीला कलर देने के लिए हम हल्दी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और होता ये है कि ये सोडा के साथ में रिएक्शन कर देते हैं। और तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खमन या फिर ढोकला बनाते हैं तो उसमें लाल लाल से चकते आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि हमने हल्दी को सोडा के साथ में अच्छे से नहीं फेटा था, इसलिए कभी भी आप हल्दी को बहुत ज्यादा ना डालें, चुटकी भर हल्दी डालें। तो यहाँ पे मैंने डाला था लगभग 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। अब इन सारी चीजों को छानने के बाद हमें यहाँ पे डाल देने थोड़े से और इंग्रेडिएंट जो इसमें फ्लेवर देने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच सूजी, फाइन वाली सूजी मैंने ली हुई है। अगर आपको सूजी नहीं डालना तो टोटली स्किप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये टेक्सचर देने का काम करता है। इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक। अब इन सारी चीजों को हमें मिला लेना है। इसके अलावा फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक और मिर्च का पेस्ट। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को टोटली हटा भी सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, वो है सिट्रिक एसिड आधी छोटी चम्मच, जिससे हमारी खमन बिल्कुल बाजार जैसे जालीदार और स्पंजी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिट्रिक एसिड की जगह ले सकते हैं 1.5 बड़ा चम्मच ताजे नींबू का रस, इससे भी हमारी खमन स्पंजी और जालीदार बनेगी। लेकिन हाँ, बाजार जैसा अगर आपको चाहिए बिल्कुल स्पंजी और जालीदार तो वहाँ पे आपको सिर्फ सिट्रिक एसिड ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार वाले सिट्रिक एसिड ही डालते हैं, नींबू का रस नहीं। अब इसे भी हम बेसन के साथ में मिला लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 कप बेसन में 1 कप पानी। पानी डालने के टाइम पे हम कई बार गलती कर देते हैं कि सारा पानी एक साथ डाल देते हैं, तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का घोल तैयार कर ले। घोल हमारा बहुत ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और इस घोल को हमें लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। जी हाँ, यहाँ पे फेंटना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम फेंटेंगे उतना ज्यादा ही इसमें एरिएशन बनेगा। इसके अलावा फेंटने के टाइम पे आप ये वाली गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप डायरेक्शन चेंज कर दें, हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्लॉक वाइज ही फेंटे, जिससे ज्यादा से ज्यादा एरेशन बनेगा। अगर आपने गलती से भी अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया तो होगा ये कि जितने भी आपने एरेशन बनाए हुए थे उस घोल में वो सारे निकल जाएंगे और आपकी जो खमन है वो स्पंजी नहीं बनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तो बिना फ्लेवर वाला ऑयल यहाँ पे आप यूज करिएगा। 1 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप देख सकते हैं स्पून में ये बहुत ही आराम से कोट हो रहा है,
तो इसका मतलब है हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर गलती से भी आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक या दो बड़ा चम्मच बेसन डाल सकते हैं जिससे आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो। लेकिन जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ उसे आप ध्यान से जरूर फॉलो करिएगा जिससे आपकी खमन बिल्कुल बाजार जैसे बनेगी। अब इस बेसन के घोल को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, यानी कि तो गैस में हम पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं जिसमें हम इसे स्टीम करने वाले हैं। तो पानी में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए अब मूव होते हैं हमारे बैटर की ओर। इसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देते हैं इस रेसिपी का एक और मेन इंग्रेडिएंट, वो है इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट। इनो मोस्टली आजकल हर के घर में इजिली अवेलेबल रहता है, इसलिए यहाँ पे मैं इनो यूज कर रही हूँ। आप सोडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सोडा से होता ये है कि हल्दी के साथ में कई बार वो रिएक्शन कर लेता है जिससे वो लाल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर गलती से भी हमने सोडा की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी तो जो हमारा खमन का टेस्ट है वो थोड़ा सा सोपी टेस्ट का आ जाता है और वो सोडा सोडा सा लगता है, जिसकी वजह से मैं सोडा अवॉइड करती हूँ और इनो डालना ही प्रिफर करती हूँ। तो इनो की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ली हुई है 1.5 छोटी चम्मच। आप देख सकते हैं किस मेजरमेंट के साथ मैं फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल भर के नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर चम्मच का यूज करते हुए ही मैं इन सारे मेजरमेंट को फॉलो करती जा रही हूँ। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। पानी डालते हैं आप देख सकते हैं कि इनो हमारा एक्टिवेट हो चुका है और इसे हमें फटाफट से बेसन में घोल लेना है। जैसे ही हम बेसन में इनो को घोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, बबल भी आ जाते हैं और जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो इसे भी हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेना है। जब सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए तो इसे हमें तुरंत ट्रांसफर करना है एक ग्रीस किए हुए पैन पे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ केक पैन। अगर आप केक पैन यूज कर रहे हैं तो इतने बैटर के लिए 9 इंच का केक पैन ही परफेक्ट रहता है, या फिर आप अपने घर पे किसी भी डब्बे का यूज कर सकते हैं जिसे आप पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, फिर सारे बैटर को एक साथ डालने के बाद आप इसे तुरंत स्टीम करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही हम इनो डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट गलती हम कई बार ये कर देते हैं कि जब हम इनो डालते हैं उसके बाद ही गैस पर हम पानी चढ़ाते हैं स्टीम करने के लिए। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, पहले आप स्टीमर तैयार कर लीजिए उसके बाद ही घोल में इनो डालिए। तो यहाँ पे पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हमारा पैन और इसे ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगभग 20 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देना है। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि खमन बहुत अच्छे से स्पंजी लग रहा है। तो चलिए स्टैटिस्टिक से भी चेक करके देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब हमारा खमन थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम डीमोल्ड करेंगे। तो चलिए अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 इंच का पैन लिया था इसलिए इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं बना हुआ है। अगर आप 9 इंच का पैन लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया तो इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट बनेगा। तो चलिए अब इसे कट भी कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा खमन बनके रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जालीदार और बिल्कुल स्पॉन्जी। जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो वापस ये अपने शेप में आ रहा है। तो क्यों बन गया ना हमारा ये बिल्कुल बाजार जैसा खमन। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूले। इसके अलावा मम्मा सुपर किड्स में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज और पेरेंटिस के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो चलिए अब तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रखा हुआ है और पैन के गर्म होते ही डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच सरसों, अगर आपको जीरा और तिल डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। जैसे ही सरसों हमारी तड़कना स्टार्ट हो जाए तो हमें डाल देना है हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है और थोड़े से कड़ी पत्ता। सारी चीजें अच्छे से तड़क जाए तो हमें यहाँ पे डालना है लगभग 1 कप पानी। पानी डालने के टाइम आप गैस का फ्लेम कम कर ले उसके बाद ही पानी डालें। और इस पानी में हमें डाल देना है फ्लेवर के लिए 1 बड़ा चम्मच चीनी, अगर आप थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी खमन में नमक डाला हुआ था इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालें। और जैसे ही हमारी चीनी घुल जाए पानी में तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस तड़के को अब हमें डालना है खमन पे। तो थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया हुआ है, आधे तड़के वाला पानी आप अभी डाल दीजिए। जब पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो बचा हुआ जो हमारा तड़के का पानी रहता है आप उसे फिर से थोड़ी देर बाद डाल दीजिए। और बस लास्ट में इस खमन को हम गार्निश कर देते हैं फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट के साथ में और थोड़ी सी हरी धनिया के साथ में और इसे हम तुरंत एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको खमन बच गई है तो इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देना है तो आप इसे ट्विस्ट दे सकते हैं चाट का, जो बहुत ही बेहतरीन लगता है। पर्सनली मुझे खमन खाना चाट के तरीके से बहुत ही पसंद आता है और उस पर
मैंने ऑलरेडी एक रेसिपी लोड कर चुकी है जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि खमन को आप किस तरीके से चाट के रूप में इंजॉय कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आई एम श्योर आप नेक्स्ट टाइम से खमन चाट के तरीके से खाना बहुत ही पसंद करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूले। इसके अलावा आप इंस्टा में मुझे टैग भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।